उधर यूपी में बीजेपी के मिशन 80 को झटका लग सकता है। लोकसभा चुनाव 2019 में विपक्ष का गढ़ बनी 14 लोकसभा सीटों पर जमीनी रिपोर्ट बनाने के लिए भेजे गए विस्तारक फेल साबित हो रहे हैं, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने विस्तारों से जवाब तलब किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने कई राज्यों में विस्तारक बहाल कर चुनावों में इनका भरपूर इस्तेमाल किया और पार्टी को इसका बहुत फायदा मिला। आगामी लोकसभा चुनाव में फिर इन विस्तारकों की बहाली की गई ताकि हाईकमान रोज रोज की जमीनी हकीकत से सीधा रूबरू होता रहे, लेकिन यूपी में तैनात 84 विस्तारकों की सुस्ती ने पार्टी की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल बीजेपी ने यूपी में विपक्ष के कब्जे वाली 14 सीटों को लेकर विस्तारकों को जमीनी रिपोर्ट तैयार करने को कहा था, साथ ही इन सीटों पर बूथ लेवल पर संगठन का ढांचा दुरुस्त करने और प्रभावी मतदाताओं के साथ संपर्क साधने की रणनीति बनाई गई थी, लेकिन विस्तारक इस काम को अभी तक अंजाम नहीं दे पाए। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की हारी हुई 14 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीटें मुरादाबाद, संभल, लालगंज और मैनपुरी में काम सुस्ती से चल रहा है। इन सीटों पर अब तक विस्तारकों की पूरी रिपोर्ट ही नहीं मिली है, कुछ लोकसभा में आधे ही काम की रिपोर्ट मिल पाई है। 7 लोकसभा सीटें ही ऐसी थीं जहां बीजेपी का काम संतोषजनक मिला। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल ने इस लोकसभा में भेजे गए विस्तारकों, लोकसभा प्रभारी और संयोजकों से जवाब तलब किया है। इन्हें नए सिरे से जल्दी ही रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। बीजेपी को 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए विपक्ष की जीती हुई 14 सीटों को ही अपने पाले में करना है। बीजेपी की अब सारी कोशिश विपक्ष की जीती हुई इन्हीं सीटों में सेंधमारी करने की है। इसके लिए बीजेपी एक एक बूथ पर काम में जुटी है। चूंकि इस वक्त पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है तो बीजेपी उनके ही गढ़वाली सीटों पर पूरा जोर लगा रही है, लेकिन विस्तारकों की सुस्ती पार्टी की परेशानी बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।